हिंदू पंचांग के मुताबिक यह पर्व हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष के पाँचवें दिन यानी पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो वर्ष 2020 में बसंत पंचमी यानी इसे सरस्वती पूजा भी बोला जाता है। सरस्वती पूजा कब मनाई जाएगी इसकी दिनांक तिथि बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे। तो बसंत पंचमी के दिन माँ देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। यह पर्व भारत के अलावा बांग्लादेश और नेपाल में बड़े उल्लास से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पीले रंग का वस्त्र धारण करती है। भारत समेत नेपाल में 6 ऋतुओं में सबसे लोकप्रिय ऋतु वसंत है। इस ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य मन को मोहित करता है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी लोग मनाते हैं। ऋग्वेद में माता सरस्वती का वर्णन बहुत ही अच्छे रूप में किया गया है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती है। गुरु शिष्य परंपरा के तहत माता पिता इसी दिन अपने बच्चे को गुरुकुल में गुरु को सौंपते हैं, यानी बच्चों की औपचारिक शिक्षा के लिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। विद्या व कला की देवी सरस्वती इस दिन मेहरबान होती है, इसलिए उनकी पूजा भी की जाती है। इसलिए कला जगत से जुड़े लोग इस दिन को अपने लिए बहुत खास मानते हैं। जिस तरह सैनिकों के लिए उसके शस्त्र और विजयादशमी का पर्व है, उसी तरह और उतना ही महत्व कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का है। चाहे वह कवि, लेखक, गायक, वादन, नाटककार हो या नृत्यकार, सब इस दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। तो चलिए जानते हैं वर्ष 2020 में बसंत पंचमी कब है। तो वर्ष 2020 में बसंत पंचमी 29 जनवरी को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पंचमी तिथि कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी, सारा डिटेल्स मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।